بسم الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سورة مائدة کی 34ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہو رہا ہے لوگو قتل کوئی معمولی گناہ نہیں گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو خدا کی نظر میں اتنا بڑا گناہ ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی نے ایک آدمی کی زندگی بچا لی تو خدا اسے اجر اتنا عطا فرمائے گا گویا اس نے سارے انسانوں کی زندگی کو بچا دیا عزیزان گرامی آپ سن رہے ہیں ہر روز اس آیت کو کہ قتل جب اتنا بڑا گناہ ہے اور قرآن میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے پھر یہ مسلمانوں کے اندر قتل و غارت گری کیوں ہے پھر یہ فرقہ پرستی کی لعنت کیوں ہے پھر یہ قوم پرستی کی لعنت کیوں ہے اسباب کیا ہیں ریزنز کیا ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے تو ایک ریزن تو آپ نے سنا کہ وہ ہے کہ جو علماء اس طرح کے ہیں جن کا مقصد دولت کمانا شہرت کمانا اور مقام کمانا ہے وہ شیعوں کے اندر بھی بدبختی سے ہیں اور سنیوں کے اندر بھی ہیں اور یہ لوگ ایک سبب ہیں آج ایک اور بڑا سبب بھی میں آپ کو بتلانے والا ہوں اور وہ سبب یہ ہے کہ اسلام کے اندر دو فتنے اٹھے تھے اور ان دونوں فتنوں کو مولا علی نے ختم کیا اور اس کے بعد یہ دونوں مذہب جو ہیں انڈر گراؤنڈ چلے گئے ایک فتنہ جو ہے وہ نصیریت کا فتنہ تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ آپ خدا ہیں حضرت علی نے انہیں بہت سمجھایا کہ بھائی خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کسی کا والد ہے میرے والد بھی ہیں میرے بیٹے بھی ہیں مگر وہ ضد والی بات ابو جہل والی بات ان کے اندر آ گئی تو آخر میں مولا نے انہیں قتل کیا قتل کرنے کے باوجود بھی کچھ فرقے بچ گئے کچھ لوگ بچ گئے اور اس کے بعد یہ مذہب انڈر گراؤنڈ چلا گیا اور دوسرا جو فتنہ تھا وہ خارجی اور ناسبیوں کا تھا جو حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی وہی اپنی ذات کی محبت
क्योंकि हज़रत अली ने इस्लाम के लिए बहुत जंगी लड़े, बहुत जंगें लड़ी हैं, बहुत जिहाद किया है कि सुबहान अल्लाह, रसूल खुदा ने बड़े बड़े खिताबात दिए हैं। तो पूरी ज़िंदगी में हज़रत अली ने तकरीबन 10,000 आदमियों को कत्ल किया जो काफिर थे, ज़ालिम थे। तो अब जाहिर है कि अगर एक काफिर के 10 रिश्तेदार भी मान लें तो इतने लोग हज़रत अली ने अपने दुश्मन बना लिए। इसीलिए यह हदीस रसूल खुदा को कहनी पड़ी कि अली की मोहब्बत ईमान है, अली से दुश्मनी निफाक है। क्योंकि अरबों में कौम परस्ती, ख़ानदान परस्ती बहुत होती थी। कोई कहता था भाई मुसलमान अब तो सारे हो गए, लेकिन वो अली से बुग़्ज़ रखते थे कि मेरे बाप का अली कातिल है। कोई कहता अली जो है मेरे भाई का कातिल, कोई कहता अली मेरे चचा का कातिल है, कोई कहता अली मेरे मामू का कातिल है। तो रसूल खुदा ने जब ये सूरत हाल देखी तो कहा भाई अली ने कोई अपने लिए तो इनको कत्ल नहीं किया, वो काफिर थे, ज़ालिम थे और इस्लाम पर हमला आवर हुए, इसलिए अली ने कत्ल किया। इसलिए रसूल खुदा की हदीस जो है तमाम शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है। क्या कि अली से मोहब्बत रखना ईमान है, यानी चाहे अली तेरे बाप का कातिल है तो तेरा बाप काफिर है और अली कुल्ले ईमान है। सलवात पढ़ी मोहम्मद ईमान। कि जंग खंदक में फरमाया हज़रत अली के लिए कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा। तो ये दूसरा फितना जो है इसे भी हज़रत अली ने ख़त्म किया। ये खारजी और नासबी थे और ये भी कुछ बच गए। अब ये दोनों मजहब जो हैं अंडरग्राउंड चले गए। अब दुनिया में ज़ाहिरन आपको न कहीं पर नासबी खारजी मिलेंगे और न कहीं पर नुसैरी मिलेंगे, मगर ये अंडरग्राउंड होने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें हर ज़माने में की। अब ये जो नुसैरी थे वो शियों के अंदर घुस गए, तवज्जो फरमाए, बिल्कुल खुद को नुसैरी ना कहते हुए, और जो खारजी नासबी थे वो अहले सुन्नत के अंदर घुस गए। और इनका काम है शिया सुन्नियों को लड़ाना। वो कैसे? जो खारजी नासबी हैं वो सुन्नियों के अंदर घुसकर और हज़रत अबू तालिब यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को गालियाँ देते हैं ताकि शिया इश्तेआल में आए और जंग हो, तफरका बाजी हो। ज़ाहिर हज़रत अबू तालिब जो हैं वो इस्लाम के मोहसिन हैं, सारे मुसलमान उनको मानते हैं, रसूल खुदा की परवरिश की है, सब कुछ की है, लेकिन ये खारजी क्योंकि अली अलैहिस्सलाम को तो कुछ कह नहीं सकते तो वो बुग़्ज़ जो है उनके वालिद से निकालना चाहते थे। तो जो फरमाए इनके दिल में अली से बुग़्ज़ है, मगर ये अंडरग्राउंड मजहब है। और इसी तरह से ये जो नुसैरी हैं ये भी अंडरग्राउंड चले गए और ये शियों के अंदर आ गए। और इनका भी काम वही है कि दुशिया सुन्नियों को लड़ाएं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आज जो फितना हो रहा है दर हकीकत बहुत होशियारी से, बहुत ही चालाकी से और तदब्बुर से हमें इन दो अनासरों को अपने अंदर से निकालना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो जाए और इस्लाम बदनाम ना हो और मस्जिदें न जलें, इमाम बारगाह न जलें, इससे इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान कमज़ोर होते हैं, तो ये दो अनासर जो हैं ये अंडरग्राउंड अब भी दोनों के अंदर मौजूद हैं। अब ये नुसैरी जो हैं ये हमारे अंदर हैं, लेकिन नुसैरी खुद को नहीं कहते, ये शियों के अंदर आ जाते हैं। इनकी पहचान क्या? ये खुल्ला तबर्रा करते हैं। इनकी पहचान आके मकसद क्या है कि खुल्ला तबर्रा यानी किसी के मजहब के रहबरों को बुरा भला कहना। अब जाहिर है कि कुरान के ये खिलाफ है। कुरान कह रहा है कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा भला ना कहो वरना तुम्हारे सच्चे खुदा को कहेगा। और हमारे जितने भी इमाम हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अगर आपने किसी के रहबर को बुरा भला कहा और उसने पलट कर आपके यानी हमें बुरा भला कहा तो उसके असल मुजरिम तो वो, कि तुमने जो है हमें गाली खिलवाई क्योंकि तुमने किसी के। तो शिया को कभी भी हक नहीं है कि किसी भी मुसलमान फिरके हत्ता गैर मुसलमान के भी किसी रहबर रहनुमा को बुरा भला कहें, क्योंकि कुरान ने भी मना किया है और अहले बैत ने भी मना किया है। मगर ये नुसैरियों की पहचान है कि ये खुल्लम खुल्ला जो है तबर्रा और लानतबाजी करते हैं ताकि शिया सुन्नियों में जंग हो। और दूसरी पहचान यह है कि ये नमाज के मुखालिफ है, ये नमाज पढ़ते ही नहीं है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। जबकि कुरान की आयत है अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो वरना तुम मुशरिक हो जाओगे, नजिस हो जाओगे, तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना सब नजिस है, ये नमाज नहीं पढ़ते। और दूसरा ये कि मातम करते करते ये शियों के अंदर घुस जाते हैं। और तीसरी इनकी पहचान ये कि जैसे भी मातम ख़त्म हुआ ये अलम के सामने सजदे में गिर जाते हैं, कभी जो है किसी ताजिए के सामने सजदे में गिर जाते हैं। भाई सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है,
अल्लाह के सिवा किसी का सजदा जायज नहीं। ये अलम का एहतराम मैंने बतलाया था, जैसे सफ़ा मरवा जो है शायर अल्लाह है, क्योंकि इस अलम की निस्बत है इमाम हुसैन की तरफ, इस वजह से। मगर सजदा नहीं कर सकते। मगर ये लोगों को गुमराह करते हैं जनाब, ये जो तज़ीमी सजदा है, ये शुक्र का सजदा है, ये सब जो है अकीदे को ख़राब करने वाली बात है। भाई जो तज़ीमी सजदा हज़रत आदम को भी हुआ था, वो अपनी मर्जी से नहीं, खुदा के हुक्म से हुआ था। लिहाजा बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। ये शियों के अंदर शिया बनकर आते मगर हैं ये नुसेरी, आपके नौजवानों के अकीदे को बिगाड़ना चाहते हैं। और तीसरी पहचान ये कि ये दुआए कुमैल के भी मुखालिफ है, क्योंकि अगर दुआए कुमैल को माने तो वहाँ तो अली अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे हैं, तो फिर अली खुदा कैसे रहेंगे? तो फरमाई, क्योंकि इनका मकसद है अली है खुदा। तो जिसने भी अली को खुदा कहा, तो हमारे जितने भी इमाम हैं वो इस्लाम से खारिज हो गया, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मौला अली ने उनको कत्ल किया और निकाल दिया, तो ये दुआए कुमैल के भी मुखालिफ है, क्योंकि दुआए कुमैल को अगर मानते हैं तो फिर अली खुदा नहीं रहता, खुदा का बंदा हो जाता है। सर बात पड़ी मोहम्मद वाले, और फिर इनकी दूसरी चौथी पांचवी पहचान ये है, इन्होंने बहुत सारी साइटें बना रखी हैं इंटरनेट पे, ये अभी इस कदर यानी खुल्लम खुल्ला भी काम कर रहे हैं। और उनकी साइटों पर आप जाके देखेंगे कि जितने उलमा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में इत्तहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम करते हैं, उन्होंने अपनी साइट पर उन पर लानत और तबरा लिखे हुए हैं। यानी ये असलन इत्तहाद बैनुल मुस्लिमीन के दुश्मन है। तो अजीदान गिरामी, बहुत सख्त इंतहाई होशियारी की जरूरत है कि हम इनको पहचाने। ये नुसेरी हमारे अंदर इस तरह से घुस आते हैं, और उस तरफ जो है वो नासबी और खारजी उनके अंदर घुस जाते हैं, ताकि इन दो फिरकों को लड़ाएं। और अजीब बात ये है कि जहां भी फसादात हुए, इनका एक आदमी भी नहीं मरा, या बेगुनाह शिया मरते हैं या बेगुनाह सुन्नी मरते हैं। सर बात पड़ी मोहम्मद वाले में, और ये फकत ये नहीं कि ये शियों के अंदर घुसकर सुन्नी रहबरों पर लानत करते हैं, बल्कि ये शिया रहबरों पर भी लानत करते हैं, यानी मराजे मुज्तहदीन पर भी ये लानत करते हैं। तवज्जो फरमाई आपने, ये बहुत खतरनाक अनासर है। मातम के बहाने से ये शिया बन जाते हैं, मगर इनका अकीदा भाई जब अली खुदा है तो खुदा का तो बेटा ही नहीं, तो इमाम हसन हुसैन के लिए आप रोते क्यों हैं? कोई खुदा का बेटा होता है? तवज्जो फरमाई, यानी इमाम हसन के भी मुनकर हो गए, 11 इमामों के मुनकर हो गए। अजीदाने गिरामी, इन्होंने ऐसे ही मौलवियों को पाल रखा है जो पैसा परस्त दौलत परस्त हैं, और उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है वो शियों के अंदर घुसकर वो नुसेरियत की तबलीग कर रहे हैं। यानी एक मौलवी की जो है वीडियो भी है, ऑडियो कैसेट भी है, अपनी तकरीर में उसने ऐसे लोगों को बिठाकर कहा कि भाई कुरान की आयत है कि अल्लाह जो है मोमिन है, कहाँ जी अल्लाह मोमिन है, देखो कुरान में है कि अल्लाह मोमिन है, और फिर क्या जुमला कहा, कुफ्र का जुमला कहा कि नऊज़ बिल्लाह खुदा की तौहीन, इस्लाम की तौहीन, कि देखो कुरान में अल्लाह मोमिन है और अली जो है अमीरुल मोमिनीन है। अस्तग़फिरुल्लाह। अब देखें ऐसे अनासर को शिया हजरात फौरन अपने अंदर से निकाल दें। अब वही इंसान जो है जिसकी वीडियो ऑडियो भी आज पूरे पाकिस्तान में मजलिसें पढ़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अफराद को जो फितना चाहते हैं, जो पूरे मजहब को बदनाम करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जहाँ भी उलमा, एक उलमा की कमेटी हो, मुंतजमीन की कमेटी हो, मराजे के अंडर हो, और उससे ऐलान किया जाए कि ये इंसान शिया नहीं है, इसका शियत से कोई ताल्लुक नहीं, ये शिया सुनियों को लड़ाना चाहता है, और इसे हक न दिया जाए कि ये कभी मिंबर पर जाके ऐसी बात करे जो खुदा की भी तौहीन है और मजहब शिया की भी तौहीन। हम सब जो है अली को वली मानते हैं, हर आज़ान अकामत में हमारा ऐलान यह है कि अलीयुन वलीउल्लाह, अली वली है। जो अली को खुदा माने वो न शिया है न मुसलमान है। सर बात पड़ी मोहम्मद, तो ये दो खतरे जो बहुत बड़े खतरे, इसी वजह से ये फिरका परस्ती हो रही। अब अकीदे में आप आजाद हैं, जो भी अकीदा हो, जबरदस्ती नहीं ला इकराफ दी, मगर हमें हक नहीं इस्लाम ने दिया कि हम किसी के रहबर को बुरा भला कहें, हम किसी को बुरा भला कहें। जैसे कल मैंने एक बहस छेड़ी, आज एक दूसरी बहस अकीदे की है कि भाई हम जितने भी शिया हजरात हैं और अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की भी, हमारा अकीदा है कि कयामत के दिन रसूल खुदा हम जैसे गुनहगारों की शफात फरमाएंगे। अलबत्ता शफात के शरायत हमारे अंदर होंगे तो शफात फरमाएंगे। मगर एक दो फिरके जो ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं, ये शफात जो है वो होगी नहीं, शफात सिर्फ खुदा के पास है।
वो शफाअत के मुनकर है। अब हम इल्मी गुफ्तगू तो कर सकते हैं मगर एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे नहीं लगा सकते। अजीजों तहकीकी मुसलमान बनिए और तहकीकी मुसलमान बनाइए, तअस्सुब की लानत से खुद भी आज़ाद हो जाए और दूसरों को भी आज़ाद करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाल। अब जाहिर है कि जो लोग शफाअत के मुनकर हैं वो भी आयतें बयान करते हैं और जो शफाअत की हिमायत में है वो भी आयतें, तो जो बेचारा ज़्यादा कुरान नहीं जानता वो कन्फ्यूज हो जाता है कि वो मौलवी भी आयत पढ़ रहा है ये मौलवी भी आयत पढ़ रहा है। लेकिन अब जो है परेशानी की बात नहीं है, अब कंप्यूटर पे कुरान मजीद आ गया है। देखिए किसी भी टॉपिक मौजू पर आपने रिसर्च करनी है बहुत आसान है। शफाअत है मसलन, शफाअत का लफ्ज़ लिखें टाइप करें तो उस पर सारी आयतें कुरान में बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक सब आ जाएंगी। अब आप उन सारी आयतों को जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हक क्या है बातिल क्या है। यानी कि दो चार आयतें पढ़कर आप फैसला कर दें। अब इसी शफाअत में जो है पांच छह ग्रुप जो है आयतों के बनते हैं। एक आयतों का वो ग्रुप है जिसमें कुरान ने कहा है कि शफाअत नहीं, मगर ये किन के बारे में, हमें उस आयत का पहला हिस्सा भी पढ़ना होगा और बाद वाला हिस्सा भी कि अल्लाह किन की शफाअत का इनकार कर रहा है। सूरह मुदस्सिर, ये सूरह का नंबर 74 आयत का नंबर 46 48, ये आयत जो है उनके बारे में है जो काफिर है, खुदा को नहीं मानते, कयामत को नहीं मानते। वकुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन, ये कयामत के मुनकर है। हत्ता अता नल यकीन, और मर गए फिर क्या हुआ जो खुदा को नहीं मानते, कयामत को नहीं मानते। फमा तन्फअहुम शफाअतुश्शाफिईन, यानी कुरान ये कह रहा है कि जो खुदा को नहीं मानते कयामत को नहीं मानते उनके लिए शफाअत नहीं है। ये नहीं कि इस आयत में हमारे रसूल की शफाअत का इनकार है। इसी तरह से और आगे बढ़िए, बहुत सारी और आयतें हैं जहां शफाअत का इनकार है, मगर देखना पड़ेगा किन के बारे में। सूरह यूनिस है 10वीं सूरह आयत का नंबर 18। अब ये आयत बुत परस्तों के बारे में है। वयअबुदूना मिन दूनिल्लाह मा ला यज़ुर्रुहुम वला यन्फअहुम वयकूलूना हाउलाए शफाअउना इंदल्लाह, ये बुत जो है उन्होंने शफा दे सकते हैं नुकसान, और कहते हैं ये हमारी शफात करेंगे, ये शफात करने वाले नहीं। अब दूसरी आयत ने इनकार किया कि बुत तुम्हारी शफात नहीं कर सकते। अब तीसरी आयत, ये तीसरा ग्रुप है आयतों का, आयत का नंबर जो है 44, सूरह का नंबर 39 सूरह ज़ुमर। अब यहां खुदा ये कह रहा है कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीया, शफात का हक सिर्फ खुदा को है, तमाम का तमाम शफात का हक खुदा को है, सिर्फ खुदा शफात कर सकता है। अब और आगे बढ़िए, अब ये तीसरा या चौथा ग्रुप है आयतों का, जो एक आयत आप में से अक्सर को याद होगी सूरह बकरा है और आयतुल कुर्सी है। सूरह बकरा आयत का नंबर 255, क्या मंजल लजी यशफाओ इंदहु इल्ला बिइज़्ने, खुदा ये फरमा रहा है मगर वो शफाअत कर सकते हैं जिन्हें मैंने इजाजत दी है, परमिशन दी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आपने देखा यहां इजाजत है कि जिन्हें अल्लाह ने इजाजत दी है वो शफात कर सकते हैं। अब चंद आयतों को पढ़कर आप नतीजा नहीं निकाल सकते। और फिर सूरह अंबिया में फरमाया 28वीं आयत, वला यशफाउन, कोई शफात नहीं कर सकता, इल्ला लिमनिर्तजा वहुम मिन खशियतिही मुशफिकून, मगर वही शफात का हक रखते हैं जो मुर्तजा बंदे हैं, जिनसे खुदा राजी है। अजीदान गिरामी, लिहाजा इन्हीं आयतों की बुनियाद पर हम कहते हैं अहल बैत क्योंकि इनसे खुदा राजी है ये शफात कर सकते हैं, औलिया खुदा शफात कर सकते हैं। और सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है कि कयामत के दिन लोग आएंगे किनके पास, हजरत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हमारी शफात करिए हमारी, और ये सारे बुजुर्ग कहेंगे कि आज शफात का हक सरकार रिसालत माब को है, जाइए सरकार रिसालत माब के पास। और ये सारे आएंगे और रसूल खुदा सजदे में जाकर खुदा से गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि मेरी उम्मत की शफात करें, इन गुनहगारों की शफात करें, तो शफात रसूल खुदा कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीदान गिरामी, अब हम चलते असल मौजू की तरफ, वो है तरबियत औलाद, के औलाद अमानत खुदा है। अगर हमने इस अमानत में खयानत नहीं की तो ये बहुत बड़ा सरमाया है। अगर किसी ने कितने भी गुनाह किए हैं अब उसका कफारा क्या है, औलाद को सालेह कर दे। मन अहयाहा, ये जो आप सुनते हैं जिसने एक इंसान को जिंदा किया, इसकी असल तफसीर ये है कि जिसने एक को हिदायत दी,
जिसने एक आदमी को हिदायत दी गोया उसने सारे इंसानों को हिदायत दी। तो अगर आप अपनी औलाद को मुत्तकी साले बना दें तो इतना अजर खुदा अता फरमाएगा कि गोया आपने सारे इंसानों को हिदायत दी है। और ये मरने के बाद भी आपके लिए सरमाया, आप दुनिया से चले गए मगर आपका एमाल नामा बंद नहीं होगा। आपकी औलाद मजलिस में आ रही है, आपकी औलाद हज में आ रही है, आपकी औलाद ज्यारत में आ रही है, आपकी औलाद कुरान पढ़ रही है, जितना सवाब इनको इतना सवाब माँ बाप को। कितना अल्लाह ने रहमत के लिए ये दरवाज़ा खोला है, यानी औलाद इन्वेस्टमेंट है दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया में हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, कल आपने सुना औलाद की तरबियत कहाँ से करें। अब देखिए औलाद 7 से लेकर 14 बरस तक ये इसे सख्त काम कराएं, मेहनत कश बनाएं, जहमत कश बनाएं, मगर पहले दिन से लेकर 7 बरस तक इसे न डांटें, इसे बेइज्जती न करें। क्या होगा, बच्चा ज़िद्दी हो जाता है और ज़िद्द इसी का है कि उसकी बेइज्जती न करें, उसकी इंसल्ट न करें, उसका एहतराम करें। समझाएं तो प्यार से समझाएं, समझाएं तो दलील के साथ समझाएं, और एक कोशिश ये करें कि जैसे बच्चा सोच समझ वाला हो जाए 5-7 बरस का, कि उसके अंदर अपने ज़ात की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। क्योंकि कल आपने सुना कि अपने ज़ात की मोहब्बत ही की वजह से कोई शैतान शैतान बनता है, अगर कोई मुनाफिक बनता है तो भी अपनी जात की मोहब्बत की वजह से, अगर कोई नबी का दुश्मन बनता है बल्कि अपनी जात की मोहब्बत की वजह से वही अशर हो जाता है इंसान का। जैसे शैतान की हजार हा लाखों सालों की इबादतें बर्बाद हो गई क्योंकि उसके अंदर अपने जात की मोहब्बत है। अगर एक इंसान जितना भी नमाजी, जितना भी परहेजगार, जितना भी मोमिन हो जाए लेकिन अगर उसके दिल में अपने जात की मोहब्बत है तो एक मिनट में उसकी सारी इबादत बर्बाद। मैं मिसाल दूं ताकि आप समझ जाए कैसे। मसलन आपने 40 बरस एक इंसान को पाला, अब जिसके दिल में जात की मोहब्बत है वो जो काम करता है नेकी का वो उसे अपनी तरफ निस्बत देता है, मगर जिसके दिल में अपनी जात की मोहब्बत नहीं खुदा की मोहब्बत है वो जो काम अच्छा करता है उसे खुदा की तौफीक समझता है। ये फर्क, वो कहता है खुदा ने तौफीक दी मैं कहां इस काबिल। अब अगर जात की मोहब्बत है, आपने 40 साल किसी को पाला, अब वो जरा किसी बात पर अकड़ गया, आपकी बात नहीं मानी, अब आप आगे गुस्से में कहा नमक हराम, बस एक लफ्ज 40 साल की मेहनत गई बर्बाद हो गई। क्यों? कुरान कह रहा वला तुबतलु अमालकुम बिल मन वल अज़ा। अगर तूने किसी पर एहसान किया है ना, अगर तूने एहसान जतलाया तब भी तेरी मेहनत बर्बाद, और अगर तूने उसको तकलीफ दी बुरी बात कही तो भी तेरी सारी मेहनत बर्बाद। यानी ये हुब्बे ज़ात ऐसी है। तो कोशिश करें कि आपके बच्चे के अंदर से ज़ात की लव ऑफ सेल ये ख़त्म हो जाए। इसी से तकब्बुर होता है, इसी से बहुत सारी मुसीबतें, मुनाफिक बनता है, शैतान बनता है, शैतान को किसने गुमराह किया, यही लव ऑफ सेल। अब कैसे खत्म करनी है, मौला अली फरमाते हैं ये खत्म करने का तरीका क्या है, अल ईसार यानी सेक्रीफाइस करना, ये अफजल इबादत है। इमाम रज़ा अलैहि सलाम फरमाते हैं अपने बच्चे को आदत डालें कि खैरात सदका आपका बच्चा अपने हाथ से दे, यानी ईसार सेक्रीफाइस करने की उसे आदत है। अगर मसलन कोई काम भी करवाना, बेटा अगर तूने ये काम किया तो इसका ये इनाम डबल इनाम होगा, यानी सेक्रीफाइस, कोई चीज़ खुद है खुद चाहता है मगर दूसरे को दे दे इसका बेटा सवाब होगा। बचपन से ये सेक्रीफाइस, मसलन मेहमान नवाजी का क्यों इतना बड़ा सवाब है मेहमान के लिए, ये है कि हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने अपना खलील क्यों बनाया, एक वजह थी कि बहुत मेहमान नवाज थे, कभी खाना बगैर मेहमान के नहीं खाते थे। फरमाया खुदा के रसूल की हदीस है कि जिसका ईमान है खुदा पर और कयामत पर वो यकीनन जब भी मेहमान आएगा उसका एहतराम करेगा। फरमाया जिसके घर में मेहमान नहीं आता तो रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते। तो मेहमान से क्या है, जब आपके घर में मेहमान होंगे, और ये जो ईसार है ना ये लफ्जों से कोई बच्चा नहीं सीखेगा, जब माँ बाप को करते हुए ईसार देखेगा तो ही सीख सकेगा। जितनी मजलिसें सुन ले, मेहमान आ गया अच्छा खाना खुद खा गए, वो बच्चा को चाहे उसको खिला दिया, बच्चा भी वही करेगा, ईसार कहाँ से करेगा, सेक्रीफाइस कहाँ से करेगा। तवज्जो फरमाइए आपने, अब किसी घर में कोई भी मेहमान आया ही नहीं तो बच्चा ईसार कहाँ से सीखेगा कि ईसार क्या चीज़ है। भाई आपका नरम दबिस्तर है, मेहमान को वहाँ सुला दें और खुद आप ज़मीन पर सो जाए, अच्छा खाना उसे खिला दें, आप कचा पुचा कुछ भी खा लीजिए। अजीज़ाने गिरामी अब सुनिए, ये ईसार जो है इससे हुब्बे ज़ात ख़त्म होती है। और बच्चे को कैसे ईसार का पता चलेगा, क्यों ईसार करेगा, हर इंसान अपनी राहत चाहता है, लग्जरी चाहता है, उसे बताएं बेटे देखो कयामत के दिन हम इस शक्ल सूरत में नहीं आएंगे, जैसा हमारा किरदार होगा कयामत में वैसी हमारी सूरत होगी,
ये कुरान की आयत है, यौम तुबल सराइर, ऐ लोगो तुम कयामत के दिन इस शक्ल में नहीं आओगे। मालिक किस शक्ल में आएंगे? जैसा तुम्हारा बातिन होगा, जैसे तुम्हारा अंदर होगा, कयामत के दिन तुम्हारी ऐसी शक्ल। अगर तुम अंदर से इंसान हो, कयामत के दिन इंसानी शक्ल में आओगे। अगर अंदर से हैवान हो, कयामत के दिन हैवानी शक्ल में आओगे। और अगर अंदर से नूरानी हो तो नूरानी शक्ल में आओगे। हाँ जी, अब इंसान और हैवान में क्या फर्क है? इंसान जो है ना, इंसान हैवान क्या? हैवान, एक कुत्ता जख्मी है, दूसरे कुत्ते ने देखा वो चला गया, उसे परवाही नहीं। एक कुत्ता भूखा है, दूसरे ने देखा वो चला गया, चला गया, उसे पता ही नहीं, क्यों? एहसास ही नहीं। हैवान के अंदर ये एहसास नहीं है, रहम नहीं है। यानी जो किसी के काम ना आए वो हैवान है, समझ गए? सिर्फ अपने पेट की फिक्र हो, अपनी राहत की फिक्र हो, ये अभी इंसान नहीं बना, तरबियत नहीं है, ये हैवान है। लिहाजा इंसान कौन है? जो किसी के काम आए। मसलन अगर आपके पास दो रोटियां हैं, कोई भूखा आ जाए, एक रोटी उसे दे दें, ये खुद खा लें, यानी आप इंसान कहलाएंगे। मगर एक किरदार है मासूमीन का, अहल बैत का, वो इससे भी बुलंद है। वो क्या? कि सबने रोजा रखा है, फकीर दर पर आया है, पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, मगर जैसे फकीर ने कहा, है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई मुझे खाना देने वाला, तो हसन भी उठे, हुसैन भी उठे, बीवी जहरा भी उठी, अपना खाना दे दिया, खुद भूखे रहे, दूसरे का पेट भरवा दिया। यह है नूरानी किरदार। तो कयामत के दिन नूरानी शक्ल में आएंगे। और वाकया भी सुनिए, नजफ का वाकया। एक तालिब इल्म था, पढ़ता था, दीनी इल्म हासिल करता था। एक दिन उस्ताद के पास गया, उस्ताद उसके लिए खड़ा हो गया, एहतराम, बेटा बता कल तूने कौन सा अच्छा काम किया। कहा उस्ताद कोई खास नहीं। कि नहीं, यकीनन तूने कोई अच्छा काम किया है, क्योंकि मैंने कल रात ख्वाब देखा, पहले बता बेटा तूने क्या किया। उस शागिर्द ने सोचा, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब सोच कर कहा, हाँ एक काम किया था, शायद खुदा को पसंद आया। क्या किया था बेटे? कहा कुछ कल जो थे ना, इमाम हुसैन के जायर आए थे, ज़ियारत करने वाले, गरीब थे, थके हुए थे, पैसा नहीं था कि होटल में जाके रहें। अब मेरा मदरसे का कमरा बहुत छोटा था, ये 7-8 थे, मैंने सबको मेहमान बना लिया। अब कमरा क्योंकि छोटा था, खाना खा के हम सो गए। अब आधी रात को मेरी आँख खुली, मैंने क्या देखा? एक जायर के भारी भारी पाँव मेरे सीने पर, मेरे मुँह पर लग रहे। अब पहले तो मेरे नफ्स ने कहा कि भाई क्यों ये मुसीबत तूने पा ली, अब तेरी नींद ख़राब हो रही है, कल तुझे दर्स में जाना है पढ़ना। ये नफ्स जो है राहत तलब है, नफ्स तो गुनाह चाहता है, कहाँ नेकी चाहता है। मगर मेरे ज़मीर की आवाज़ आई कि नहीं नहीं, ये मेरे आका हुसैन के जाहिर है, अगर मैं इसके पांव हटा दूंगा इसकी नींद खराब हो जाएगी। भाई ये बेचारा पैदल सफर करके आया, फिर शर्म के मारे शायद पांव सीधे भी न कर सके। आधी रात गुजर गई, ये कोई बात नहीं है, मैं नहीं सोता, मगर ये आराम से सोता रहे। बस उस्ताद, मैंने उसके पांव जो है ना अपने सीने से नहीं हटाए, मैंने तकलीफ को बर्दाश्त की और मैं न सो सका। बस ये सुनना था, उस्ताद उठा, आगे बढ़ा और आके पेशानी को चूमा, कहा बेटे कल रात मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा हम कयामत के मैदान में हैं, और जब मैंने तेरे चेहरे को देखा तो मैंने देखा तेरे चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। ये है नूरानी किरदार। तो बेटे को इस तरह से समझाना है, ए मेरे लाल, अगर सेक्रीफाइस करोगे तो कयामत के दिन नूरानी शक्ल में आओगे। तो ईसार के जरिए से ये हुब्बे ज़ात की गिलादत खत्म होती है। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आलम। अदीदान गिरामी, अखलाक अखलाक अखलाक, इमाम बहुत सारी हदीसों के नतीजा अर्ज कर रहा हूं। अखलाक क्या है? जब तक आपके अंदर ईसार यानी सेक्रीफाइस का जज्बा पैदा नहीं हुआ तो समझ लें आपका अभी तक अखलाक इस्लामी नहीं बना। सिर्फ मुस्कुरा के किसी से बात करना अखलाक नहीं है। अखलाक यानी ईसार का जज्बा कितना है, सेक्रीफाइस का जज्बा कितना है, तो ये हुब्बे ज़ात को ख़त्म करने का तरीका है। और इसी के लिए रसूल खुदा ने फरमाया कि अक्सर गुनाहों का ताल्लुक हुब्बे ज़ात से है। और दूसरी बड़ी बीमारी दुनिया की मोहब्बत, हुब्बे दुनिया। फरमाया दुनिया की मोहब्बत जो है ये भी रास कुल खतिया, सारी गुनाहों की जड़ जो है वो दुनिया की मोहब्बत है। अगर आप देखें कि इंसान हेरोइन बेच रहा है, क्या उसे पता नहीं इससे कितने खानदान बर्बाद हो रहे हैं, कितने जवान मर रहे हैं? पता है, मगर क्यों अंधा हो गया? पैसे की मोहब्बत की वजह से। यानी पैसा ऐसी बुरी चीज़ है, उसकी मोहब्बत अगर आ जाए तो इंसान कातिल भी बन सकता है। आप देखिए पैसे की मोहब्बत की वजह से लोग बेगैरत हो जाते हैं, बेशर्म हो जाते हैं, जालिम के हामी और मददगार हो जाते हैं। जितने भी अंबिया को सताने वाले थे, क्यों उन्हें पता नहीं कि अंबिया हैं, नूरानी किरदार है। खुद इमाम हुसैन को तन्हा छोड़कर जो यजीद की हिमायत करने वाले थे, वजह क्या थी? क्या यजीद का किरदार हुसैन से बेहतर था? नहीं, यजीद के पास पैसा, दुनियावी जाहिरी पैसा हुसैन से ज्यादा था। हाँ,
ये पैसे की मोहब्बत है जो किसी को यजीद बना देती है, शिमर बना देती है। जब शिमर कत्ल कर रहा था तो इमाम हुसैन ने कहा मुझे क्यों कत्ल कर रहे, कहा मुझे पैसा मिलेगा, माल मिलेगा। क्या तू नहीं पहचानता मैं नबी का नवासा हूँ? पहचानता हूँ। क्या नहीं तुझे पता मैं अली और जहरा का बेटा हूँ? मगर मुझे माल दुनिया यानी हुब्बे दुनिया अगर आपने अपने बेटे के दिल से नहीं निकाली तो गोया आप अपने घर में शिमर पाल रहे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि बेटे के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, दलाइल से, अमलन भी, प्रैक्टिकली भी। बेटा ये पैसा तेरे साथ नहीं जाने वाला, ये यहीं रह जाएगा, तेरे साथ तेरा अमल जाने वाला है। एक टेढ़ी पाई, एक डॉलर, एक पाउंड, एक रुपया भी अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। मरने के बाद सिर्फ कफन और नेक अहमाल तेरे साथ आएंगे। पैसा अलबत्ता ज़रूरी है मगर गुजारने के लिए, दुनिया गुजारने के लिए, मगर पैसे को मकसद ना बनाओ। पैसा हदफ नहीं है, पैसा एम नहीं है, क्योंकि ये पैसा फानी है। अज़ीज़ाने गिरामी जरूरी है, ऐसी हदीसें सुना जैसे रसूल खुदा से किसी ने कहा अल्लाह के रसूल हम नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं, हम हाजी, हम इतनी इबादत करते मगर हम फकीर हैं, और वो लोग जो खुदा को नहीं मानते वो बड़े मालदार हैं। अल्लाह ने पैसा तो हमें देना था कि हम उसकी इबादत करते हैं, सजदे करते हैं। पैसा अल्लाह ने उनको दिया जो अल्लाह की इबादत भी नहीं करते। तो खुदा के रसूल ने देखा कि इनके दिलों में पैसे की मोहब्बत की निजासत है। अब ये हदीस फरमाई, फरमाया सुनो अगर खुदा की नज़र में पैसे की मोहब्बत मच्छर के पर के बराबर भी कीमत रखती होती। देखिए क्या नूरानी हदीस, जिस पैसे के लिए लोग अपनी गैरत, ईमान, दीन सब कुछ बेच रहे हैं आज, उस पैसे के लिए रसूल खुदा क्या कह रहे हैं, इस पैसे की कीमत अगर खुदा की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो खुदा कभी अपने दुश्मन फिरौन को न देता। खुदा की नजर में जो वैल्यू है वो ईमान की वैल्यू है, कि ईमान को फना नहीं पैसे को फना है। तकवा की वैल्यू है, किरदार की वैल्यू है, अखलाक की वैल्यू है, जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। कब्र में तुम्हारे साथ पैसा नहीं जाएगा, कयामत के दिन तुम्हें पैसा काम नहीं आएगा, और पैसा यहां दुनिया में भी खत्म हो सकता है, जुदा हो सकता है। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, अमलन बतलाया, दरिया चल रहा था, अपना दस्ते मुबारक डाला, फिर हाथ निकाला, कहा देखो कुछ पानी के कतरात मेरे हाथ पे लग गए। अस्हाबे किराम ने कहा जी रसूल खुदा, कहा क्या इन चंद कतरात का मुकाबला क्या इस बहते हुए दरिया से हो सकता है? कहा हरगिज, चंद कतरात कहाँ और दरिया का पानी कहाँ? कहा कि कभी शैतान के धोखे में ना आना, ये दुनिया की जिंदगी चंद कतरात की तरह है मगर आखिरत की जिंदगी दरिया और समुंदर की तरह है। बल तो नल हयात दुनिया बल आखिरत खैर वबका, कुरान भी कह रहा है इंसान ये दुनिया की जिंदगी ये 60-70 साल की जिंदगी है, वहाँ क्या 60-70 साल, 1,00,000 साल, 1,00,00,000 साल, 1,00,000,000, नहीं अबदी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी। सलवात पढ़ी मोहम्मद। लिहाजा अब ये पैसे की मोहब्बत कैसे निकलेगी, जब बच्चे को आदत डालें खैरात करने की, सखी बनाने की। जितने बड़े बड़े सखी बने कैसे बने, माँ बाप की तरबियत की जाए। एक बहुत बड़ा सखी, उसने कहा माँ जब स्कूल में जाता था तो माँ मुझे 2 रुपए देती थी, एक तेरे लिए एक फकीर के लिए, तो आदत हो गई तो सखी बन गया। तो आदत डालें, देने की आदत डालें बच्चे के अंदर, सखावत की आदत। असखी करीब मिन अल्लाह, हदीस है सखी अल्लाह के करीब है, इंसानों के करीब है और जन्नत के करीब। और अल बखील बईद मिन अल्लाह, बखील अल्लाह से भी दूर है, इंसानों से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है। यहां तक रसूल खुदा ने कहा कि बखील के चेहरे को देखो भी नहीं, कहीं वही निजासत तुम्हारे दिल में ना आ जाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अजीजन अजीजन दुनिया की मोहब्बत इंसान को कभी भी अगर उसके दिल में काफिर बना सकती है। अब देख काजी शुरे, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में काजी था मगर इसके दिल में थी पैसे की मोहब्बत। इसने बहुत बड़ा घर खरीदा, ज़ाहरी तौर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम खलीफा थे, बहुत बड़ा घर खरीदा और सनद लिखवाने के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास। अली अलैहिस्सलाम ने देखा एक आलिम काजी, क्या लिखा सनद में कि एक आलिम काजी ने घर खरीदा, उसका एक बॉर्डर मौत है,
यानी तुझे मरना है, दूसरा बॉर्डर बरज़ख इसी तरह से, तीसरा बॉर्डर जो है वो कयामत है। यानी नसीहत की कि तू आलिम है, आलिम की ज़िंदगी अम्बिया और ऐमे मासूमीन की तरह होनी चाहिए, सादा होनी चाहिए, न बहुत बड़ा घर न बहुत बड़ी गाड़ी, तुम्हें सिंपल रहना चाहिए जैसे आम लोग रहते हैं, अम्बिया इसी तरह से रहे। अज़ीज़ान गिरामी, अब समझाया मगर वो न समझा। अब वो आशिक़ अहल बैत था, आशिक़ अली था, आशिक़ इमाम हुसैन था, लेकिन उसके दिल में पैसे की मोहब्बत ही ठाट से रहता था, लग्जरी से रहता था। अब वो जनाब क्या हुआ, जब यजीद इमाम हुसैन को कत्ल करना चाहा, अब इसी के पास लोग आए, कह लिख कर दे दो कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है। कहते उस जमाने में स्याही जो है ना किसी पत्थर की चीज में रखते थे, अभी इमाम हुसैन शहीद नहीं हुए, बस सुना रोने लगा और वो पत्थर की जो स्याही दान था वो उठा के सर पे मारा तो यहां से खून बहने लगा। कहा ओ जालिमो, तुम मुझे कहते हो कि मैं लिखूं कि जहरा का लाल वाजिबुल कत्ल है, यानी इमाम हुसैन शहीद नहीं हुए, पहले खून निकाल रहे, मातम कर रहे, रो रहे, इस कदर मोहब्बत थी। मगर क्यों बदबख्त बना, हुसैन से मोहब्बत थी मगर हुसैन की मोहब्बत से ज्यादा पैसे से मोहब्बत थी, इसीलिए मलऊन हो गया। अब उन्होंने कहा जी काजी साहब जोश में आने की बात नहीं है, यहां तो हजारों काजी, अगर तूने नहीं लिखा तो अपना ही नुकसान करोगे। ये थैलियां हैं सोने की चांदी जवाहरात की, एक रात तुझे मोहलत है, सोच ले, अगर तूने लिख कर दिया तेरा, वरना किसी और का मार। अब वही शैतान ने भटकाया, हाँ हुसैन तो मारे जाएंगे, मैं अपना क्यों नुकसान करूं, कोई और लिख देगा मेरा नुकसान हो जाएगा। बदबख्त बना, मलऊन बना, लिख कर दिया कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है। अल्लाह अकबर, ये जालिम क्यों जालिम बना, पहले रो रहा था। अजीदान गिरामी, आज जो मसलन मौलवी, ये जो दुनिया परस मौलवी फिरका परस्ती फैला रहे हैं, मजलिसों का बाकायदा दाम लगाते, इतना देंगे, वोट करेंगे, ये किसकी सुन्नत पे चल रहे हैं, ये इसी की पैरवी कर रहे हैं, काजी शुरेह की पैरवी कर रहे हैं। आप इनका ठाट बांट देंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, आलिम को सादा होना चाहिए। जब सादगी होगी तो कभी ये जेब नहीं काटेगा कि मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए कशरे के, ये काजी शुरेह की तरह दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। कि कल आपने हदीस सुनी, इमाम ने कहा खबरदार उससे कभी दीन मत लेना जिसके दिल में पैसे की मोहब्बत है, वो तुम्हें बेदीन बना के चला जाए। कि जर्रा बराबर ये अमर बिल मारूफ नहीं करते, नमाज की बात नहीं, रोजे की बात नहीं, तहाद बेनुल मुसलमीन की बात नहीं, सिर्फ वाहवा वाहवा करके चले जाते हैं क्योंकि इनके दिल में पैसे की मोहब्बत है। अशद जरूरत है, हम ऐसे ऐसे नए नए तलबा की जरूरत है, वो आए जिनके दिल में पैसे की मोहब्बत ना हो, खुदा की मोहब्बत हो। देखिए अभी आप सुन रहे, मन अहयाहा फक अन्नमा अहयन्नास जमीआ, एक इंसान को आपने हिदायत कर दी तो गोया सारे इंसानों को हिदायत दी। बल्कि रसूल खुदा की हदीस है, खैबर में हदीस बयान की कि या अली पूरी दुनिया की दौलत से भी और पूरी दुनिया की हुकूमत से भी अफजल है एक गुमराह इंसान को अल्लाह का रास्ता दिखाना, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था, जो हजरात डॉक्टर हैं, MBBS, वो अगर आलिमे दीन बन जाएं तो हजारों को अफ्रीका में मुसलमान कर सकते हैं, या जो प्रोग्रामर्स अच्छे हैं वो आलिम बन जाएं तो आज इंटरनेट पे तबलीग के जरिए से कई हजार कई सौ को मोमिन मुसलमान बना सकते हैं। और इसके लिए यह है कि उनके लिए दुनिया भी आखिरत भी एक प्रोग्राम बनाया है, खास उनके लिए जो पाकिस्तान में दूसरे ममालिक में है, कि वो डॉक्टर होने की शर्त है या प्रोग्रामर, को PhD तक दुनियावी तालीम भी होगी और हौजवी तालीम भी होगी, 4-5 साल का कोर्स है, दुनिया भी, हत्ता कि एक आलिम अगर वाकिन बा अमल हो जाए खुद भी बल्कि 7 पुश्तों को जन्नत में ले जा सकता। हदीस है, रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब कोई इस पाक नीयत से घर से निकलता है कि मैं इल्म इस्लाम दीन का इल्म अहले बैत का इल्म हासिल करूं, तो आसमान में जो फरिश्ते हैं वो भी उसके लिए इस्तगफार करते हैं, मेरे अल्लाह ये दुनिया को छोड़ के जा रहा है, इसके गुनाह बख्श। अजीज़ान गिरामी, और आज सख्त ज़रूरत है मुखलिस उलमा की, और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम बनाया गया है ताकि दुनिया परस ज़ाकरीन मौलवियों से बचे जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए तंजीमुल मकातिब पाकिस्तान में कराची में उसका दफ्तर है, और हर जगह उसके मदरसे हैं, 500,000 के करीब वो कराची में उसका दफ्तर है, कि जो रमज़ान आने वाला है, जिनको भी आलम दीन चाहिए ऐसे मुखलिस उलमा, हमारा मकसद है उनको प्रोवाइड करना जो कभी इमाम हुसैन के खून की तिजारत नहीं करेंगे। कि भाई हम इतने पैसे लेंगे, ये ताजिर हैं जो फिरका परस्ती फैला रहे हैं, ताजिर खून हुसैन है, ये इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं, इनको पैसे से मोहब्बत है, तभी ये मकसद इमाम हुसैन का खून बहा रहे हैं, मकसद इमाम हुसैन जो हर ज़ियारत में मौजूद है, अशहदु अन्नका कद अकमत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहय अनिल मुनकर, कि ऐ मौला तेरा मकसद है कि नमाज कायम हो जाए, ये कभी नमाज की बात नहीं करते, अमर बिल मारूफ कायम हो जाए, कभी अमर बिल मारूफ की बात नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम है कि जिन लोगों को भी कॉन्टेक्ट करना हो वो तंजीमुल मकातिब से, या
जो साइट्स कुछ हम बता रहे हैं, जैसे करबला देश नजफ डॉट ओर्ग, उससे रابطہ कर सकते हैं कि रमज़ान में पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऐसे मुखलसीन उलमा आपको दिए जाएं जो इत्तहाद बेनुल मुस्लिमीन की बात करें और नफरत को मोहब्बत में बदले और मकसद रसूल और मकसद अहल बैत कौम तक पहुँचाए। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। और अज़ीज़ान गिरामी, जैसे मैंने अर्ज किया था, आज मुसलमान अपनी इज्जत अजमत किस कदर थी मुसलमान के पास, आज मुसलमान किस कदर ज़ईफ़ हो चुका है, क्यों? इल्म में हम पीछे हैं। लिहाजा मैंने कहा वो रसूल जो कह रहे हैं कि इल्म हासिल करो महद से लेकर गहवारे से लेकर कब्र तक, हर मुसलमान मोमिन मर्द औरत को कम से कम PhD होना चाहिए इल्म में आगे बढ़े। उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मोमिन का तआवुन है और एक यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टेक्ट भी हो गया कि ओपन यूनिवर्सिटी तमाम मोमिन मुसलमान के लिए, एंड इसी के लिए वो साइट भी है ADU फॉर पीस एंड लव, वहाँ पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं दोनों हजरात, जो दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं और जो दुनिया का, दोनों। ये ओपन यूनिवर्सिटी होगी कि आप जिस भी शहर में रहते हैं जिस भी मुल्क में रहते हैं वहीं पर आपको गाइड प्रोवाइड किया जाएगा और वहीं रहते हुए आप MA भी करेंगे, BA भी करेंगे और PhD भी करेंगे। और इसके लिए हमें प्रोफेसर जो मुखलिस हैं उनकी ज़रूरत है कि इस आवाज़ के ज़रिए से वो इस ईमेल पर रابطہ कर सकते हैं। 100 प्रोफेसर्स की ज़रूरत है इकोनॉमिक्स में, फिलोसॉफी में, इस्लामिक सब्जेक्ट्स में और MBA वगैरह इन में और कंप्यूटर साइंस में 100 के करीब हमें प्रोफेसर की ज़रूरत है। और इस वक्त भी जिस यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कॉन्टेक्ट हुआ 120 अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 2-4 और यूनिवर्सिटियों से भी ये एफिलिएशन हो जाए ताकि दुनिया भर में जहाँ भी मोमिन रहते हैं वो अपने शहर अपने घर बैठते हुए इंटरनेट के ज़रिए से वर्चुअल यूनिवर्सिटी से MA भी करें PhD भी करें। तो इंशाल्लाह एक दिन हमें देखना पड़े कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो है वो मुसलमान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आपको पता कि ये जो लोग PhD करते हैं डॉक्टर बनते हैं असल में यही लोग हैं जो दुनिया को चलाते हैं, दूसरे तो बेचारे भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे चलते हैं। अब चंद लोगों ने आज से 50-60 साल पहले सियासी मकासद भी हो सकते हैं PhD की रिसर्च की कि भाई आगे ये हो जाएगा कि खुराक कम हो जाएगी, लोग ज़्यादा हो जाएंगे, भूख हो जाएगी, लिहाजा फैमिली प्लानिंग करो। आपने देखा पूरी दुनिया ने अंधी तकलीद कर दी, अब उल्टा उसका रिएक्शन ये हो गया कि भाई नौजवान कम हो गए हैं यूरोप में, बूढ़े ज़्यादा हो गए हैं, अब कह रहे हैं और बच्चे ज़्यादा पैदा। ये यानी PhD करने वाला एक गलत नज़रिया भी देता है तो 50 साल पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है भेड़ बकरियों की तरह। तो हम क्यों भेड़ बकरियों की तरह किसी के पीछे चले, हम खुद क्यों न रिसर्च करें? जैसे डार्विन ने एक गलत थ्योरी दी कि इंसान बंदर से बना है, भाई अगर इंसान बंदर से बना है तो अब जो बंदर हैं वो क्यों नहीं बन रहे? कितनी बेवकूफ़ी की थ्योरी थी, मगर क्योंकि वो डॉक्टर था PhD था और उसको सपोर्ट भी थी मीडिया भी थी तो पूरी दुनिया में उसकी थ्योरी पढ़ाई जा रही है। अब सऊदी अरब में कुछ लाशें मिली हैं, इंटरनेट पर वो फोटो भी मौजूद हैं, वो आदमी इतने बड़े हैं कि हमारे जैसा 6-7 फुट का आदमी जो है उसके घुटने से भी नीचे आते हैं, इतने ऊंचे आदमी उनकी लाशें। डार्विन की थ्योरी बिल्कुल बोगस थी, मगर जो इंसान PhD कर लेता है वो क्या है, पूरी दुनिया को अपने पीछे लगाता है। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में भी उसका दी चाहता है, मगर इकोनॉमिक्स क्योंकि इक्तिसादी तौर पर हम ज़ईफ़ हैं हमें PhD करना चाहिए। और आप जो यूरोप में रह रहे हैं आपके लिए बहुत आसान है, मगर अफसोस के जो यूरोप में रहने वाले वो तालीम की तरफ कम है, तालीम के पीछे कम है, पाउंड और डॉलर के पीछे ज़्यादा है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी देखिए इससे पूरी कौम की किस्मत और तकदीर बदल सकती है। तवज्जो फरमाइए, आपने इल्म और टेक्नोलॉजी अगर आपने हासिल नहीं की तो आपका मुस्तकबिल बिल्कुल डार्क है और आप गुलाम हो जाएंगे। लिहाजा आज अगर आज़ाद रहना चाहते हैं तो इल्म भी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी भी और तकवा भी ज़रूरत है ताकि दुनिया भी बेहतर हो जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ए मेरे अल्लाह मेरी दुनिया को भी बेहतर कर दे मेरी आखिरत को। सलवात पे मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी जैसे आपने सुना कि हुब्बे ज़ात हुब्बे दुनिया ये इंसान को ज़ालिम बना देती है। कोई भूखा मर रहा है, पैसे पड़े हुए बैंक में, मगर जो हुब्बे दुनिया रखने वाले वो ज़ालिम ज़ुल्म से बचे। आज जो हमें रिपोर्ट है कि जो जलजला आया है पाकिस्तान में, इस वक्त कितने लोग हैं जिनके पास रज़ाई नहीं है सोने के लिए, सर्दी से ठटक रहे हैं, और सिर्फ एक गांव से
मौलाना भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तफसीर में पीएचडी कर रहे हैं, जवार हुसैन शाह मशहद में, उन्होंने बताया कि एक गांव में सिर्फ 100 के करीब सादात बच्चे यतीम हैं। तो फरमाया एक गांव में, और हमने कहा कितना खर्चा होगा उनकी पढ़ाई के लिए, तो कहा 30 पाउंड से उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी, उनकी हॉस्टल भी हो जाएगी, उनका खाना पीना भी। अब 30 पाउंड आप लोग यहाँ पार्किंग में दे देते हैं, अगर सिटी में, लंदन में, शहर में, बीच में चले गए तो 30 पाउंड ऐसे चले जाते। तो ये बच्चों के अंदर जज्बा डालें, बच्चे को कहें कि बेटा देखो तुझे अल्लाह ने ये नेमत दी है, पाकिस्तान में एक सैयद है, एक मोमिन है, एक मुसलमान है, उसके खाने के लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए नहीं। अब क्या होगा, बच्चे को खुद कहेंगे तुम इस फोन पैसे आप दें, मगर बच्चे को अमली ट्रेनिंग दें कि बेटे ये तुम स्पॉन्सर कर रहे हो। अब 100,000 कोई ज़्यादा नहीं, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब, शेख नजफ़ी साहब, उनकी साइट भी है, वो इस इंशाल्लाह इसी मजलिस में मैं गुजारिश करूँगा कि उसके साइट का एड्रेस भी आ जाए, और वो बहुत मदद कर रहे हैं, और लोग भी मदद कर रहे हैं, ताकि आप कुछ बच्चों को स्पॉन्सर करें, क्यों, और बच्चों को ये आदत दें। तो अजीज़ाने गिरामी, पैसे की मोहब्बत क्या इंसान को जालिम बना देती है, और इसी में आखरत है, इसी में आपकी आखरत है। देखिए अल्लामा मजलिसी ने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी थी, लेकिन एक शागिर्द ने पूछा कि कब्र में किस चीज़ ने काम दिया, किस चीज़ ने आपकी हेल्प की, कहा एक यतीम पर जो मैंने रहम किया था ना, एक सेब एक यतीम को दिया था, उसने मुझे ज़्यादा, यतीम पर रहम करें। अल्लाह अकबर, इस्लाम कह रहा, कुरान कह रहा, जो यतीम पर रहम ना करे वो मुसलमान नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, और दूसरी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, देखिए यहाँ यूरोप में सादात हैं मगर वो अपनी शिनाख्त खो चुके हैं, सादात बच्चे, उन्हें पता ही नहीं कि हमारा क्या सिलसिला है, हसब नसब क्या है, हमारे बुजुर्ग क्या है, ख़ानदान, वो समझ रहे हम भी इस तरह गौरों की तरह रह रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि सादात की कमेटी बनाई जाए, worldsadat.com एक साइट का भी प्रोग्राम है, और इस वक्त वही जो है साइट जो है हमने इसी एडियू फॉर पीस एंड लव पर रखी है, जो जितने दुनिया भर में सादात हैं वो अपनी कम से कम शिनाख्त न खोएं कि हम कौन हैं, क्यों मदीने को हमने छोड़ा, क्यों अरबस्तान को हमने छोड़ा, क्यों हम सफ़र करते हुए ईरान आए, क्यों हम हिंदुस्तान गए। सादात का पहला मिशन वो है कि जिस तरह से नबी ने पत्थर खाकर इस्लाम को फैलाया है, हमने भी इसी तरह से इस्लाम को फैलाया। इमाम ज़माना कब आएंगे, जब हम तैयार हो जाएंगे, यानी कि सैयद बच्चे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं कि हम कौन हैं, और इमाम का ज़ुहूर हो जाए। अल्लाह अकबर, अज़ीज़ाने गिरामी, खुसूसन सादात ज़्यादा मुतवज्जा हो जाए, इसलिए कि सैयद ने अगर एक नेक अमल किया, ये हदीस है, उससे दो सवाब मिलेंगे, अगर इसी सैयद ने एक गुनाह किया तो उसे दो अजाब मिलेंगे, एक अजाब गुनाह की वजह से और दूसरा अजाब रसूल और ख़ानदान रिसालत को बदनाम करने की वजह से। ये सैयद हो गए ये काम कर, आसादात हैं, लिहाजा आगे बढ़िए। अज़ीज़ाने गिरामी, तबलीग की अशद ज़रूरत है, और हम बहुत पीछे हैं तबलीग में। अब आप देखिए ईसाई किस तरह से तबलीग करते हैं, जहाँ जाते हैं स्कूल नहीं बनाते, पहले स्कूल बनाते हैं या क्या बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। हम लोगों को तबलीग करना भी नहीं आती, हम जाके पहले मस्जिद बना देते, भाई मस्जिद ठीक है लेकिन अभी कोई मुसलमान ही नहीं बना, पहले स्कूल की ज़रूरत है और अस्पताल की, फिर जो मुसलमान बनेगा वहाँ भी नमाज पढ़ सकता है, मस्जिद में भी पढ़ सकता है। और जब अमरीका में हम गए, हमने पूछा तो पता चला कि सिर्फ कैथोलिक जो एक फिरका है उनके यहाँ, ईसाइयों के यहाँ 700 स्कूल और कॉलेजेस हैं जहाँ से वो डॉक्टर भी बनाते हैं और आलिम भी बनाते हैं, और हमारे पास एक ऐसा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मुझे पता नहीं कि जिससे भी डॉक्टर भी बने और आलिम भी बने। जबकि अफ्रीका में किसी ने कहा था मुझे, तंजानिया में भी, और कि मौलाना अगर 20 भी आप ऐसे उलमा डॉक्टर मुझे यहाँ भेज दें तो हम साल में 50,000 मुसलमान आपको दे सकते। अज़ीज़ाने गिरामी, इसकी भी ज़रूरत है, हम एजुकेशन की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। और आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चर्च में मजलिस होगी, मगर ये बहुत अच्छा है कि साल जो है कैथोलिक चर्च में भी प्रोग्राम हो रहा है, आज से चर्च दूसरा हो जाएगा, कैथोलिक चर्च होली रूट ये मार्केट स्ट्रीट पर है, और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह मातम हुआ, आज भी मातम होगा। देखिए हम उन्हीं की किताब से पढ़ते हैं और तफसीर जो है अहल बैत की बयान करते हैं, और उन्हें इतना लुत्फ आता है, क्यों, अहल बैत का इल्म ऐसा है कि अब बेडफोर्ड में मुझे दावत दी है और उन्होंने खुद अपने रेडियो जो क्रिश्चियन रेडियो है ल्यूटन में नेक्स्ट संडे में वहाँ दावत दी है कि वहाँ आप आके तकरीर करें। ये मेरा इल्म नहीं, ये अहल बैत का इल्म है। कोशिश करें कि अहल बैत के इल्म को दर 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 पर पहुंचाएं तो यकीनन दुनिया में मोहब्बत का पैगाम होगा, क्योंकि हम भी इमाम ज़माना और हजरत ईसा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी हजरत ईसा का इंतजार कर रहे हैं। गलत फहमियां दूर होनी चाहिए, कितने पॉइंट्स हैं जो यूनाइट है। मसलन हमारा गुफ्तगू, हमारा मौजू जो है डिजीज ऑफ सोल एंड देयर ट्रीटमेंट हो रही, अब वो क्या उन्हीं की इंजील से भी पढ़ रहे हैं, कुरान से भी पढ़ रहे हैं, हदीस से भी पढ़ रहे हैं। सलावात पढ़ी मोहम्मद।
और इख्तलाफात को ख़त्म करिए। देखिए जितने भी फ़ज़ाइल अहल बैत के हम मानते हैं वो सारे फ़ज़ाइल हमारे अहल सुन्नत के भाई भी मानते हैं। अगर हम कहते इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत अहल बैत की शान में, सारे आप हवाले देख रहे हैं और सुन रहे हैं अहल बैत के सब मानने वाले हैं, फिर इख्तलाफ क्यों है। अगर हम कहते हैं कुल्ला असलुकुम की आयत किनके लिए है कि अहल बैत से मवद्दत रखो, सारे अहल सुन्नत के भाई भी मानते हैं। इसी तरह से बुग्ज़ अली रखने वाले को मुनाफिक, सारे अहल सुन्नत के भाई कहते हैं वो मुनाफिक है जो अली से बुग्ज़ रखे। इसी तरह से जितनी भी आयतें हैं मन कुंत मौला के लिए, ये हदीस अहल सुन्नत के यहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ भी मौजूद है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ये आयत वो भी मानते हैं कि हजरत अली की शान में नाजिल हुई है, हम भी मानते हैं। जितनी आयतें, वक्त नहीं है कि मैं ये सारे हवाले दूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा जितने हवाले हैं वो टीवी पर चला दें कि देखिए कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर इख्तलाफ कौन करने वाले हैं? यही एक फिरका नुसैरी है और उधर से वो खारजी हैं जो हमें लड़ा रहे हैं। हमें होशियार होकर इन दोनों फिरकों को अपने अंदर से निकाल देना है, तो यकीनन एक दिन हम देखेंगे कि सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे। ज़ैनब ने फरमाया अब्बास मैं तुझे रोकती नहीं मगर एक बात सुनता जा, मैं कूफे में थी और बाबा अली की हुकूमत थी। एक दिन बाबा मस्जिद से आए जारो कतार रो रहे थे, कभी मेरे हाथों को चूम के रोते थे, कभी मेरे सर के बोसे लेके चूमते थे। मैंने कहा बाबा रोने का सबब क्या? बाबा ने रोके कहा ज़ैनब यही कूफा होगा और तेरे हाथों में रस्सियां पहनाई जाएंगी। मैंने कहा बाबा आप इमाम है, जो कहते हैं वो सच है, मगर बाबा जिस बहन का एक भी भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता। अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए हैं, अल्लाह ने मुझे हुसैन अब्बास जैसे भाई दिए। बाबा ने रोकर कहा ज़ैनब न हुसैन रहेंगे अब्बास रहेंगे। ज़ैनब ने कहा खुदा हाफिज अब्बास, मैं समझ गई हूं मेरे हाथों में रस्सियां पहनने का वक्त करीब है। अजीज़ो एक ज़ाके जिसे हजरत अब्बास से बड़ी मोहब्बत बहुत प्यार, हज़रत अब्बास ख्वाब में आते हैं, ज़ाकिर तू मेरा आशिक है। जी मौला इसीलिए मैंने तुझे अपनी ज़ियारत कराई। ऐ ज़ाकिर तूने मेरे सारे मसाइब पढ़ दिए मगर एक मुसीबत अभी तक नहीं पड़ी। ये पूछता है मौला वो कौन सी मुसीबत है? फरमाते ज़ाकिर जितने शहीद करबला में घोड़े से गिरे थे उनके बाजू सलामत है,
मगर मैं करबला का वाहिद शहीद हूँ, जब घोड़े से गिरा मेरे बाजू सलामत नहीं थे। जब भी कोई घोड़े से गिरता है हाथों के जरिए से बदन को रोकता है, मैं जानता हूँ मैं घोड़े से जमीन पे कैसे आया, मगर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे आका अब्बास ये सच है, जैसे आप घोड़े से गिरे ऐसे कोई शहीद नहीं गिरा। मगर इसी करबला में 11 मुहर्रम को ओ ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। अजीजों आप तो इशारा समझ गए, अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे जाके अब्बास के तो बाजू कटे हुए थे मगर ज़ैनब के तो बाजू मौजूद थे, ज़ैनब अब्बास की तरह कैसे गिरी, मैं क्या जवाब दूंगा। मैं अपनी तरफ से जवाब नहीं दूंगा, इमाम ज़माना ज़ारत नाहिया में फरमाते हैं ओ मेरा सलाम मेरी उन दादियों पे हो जिनके दोनों हाथ गर्दनों के पीछे बंधे हुए थे, सब मिलके कहें या हुसैन या हुसैन। अजीज अब खैमे का हाल सुन, सारे बच्चे उनकी नजर अलम पर है, ज़ैनब की नजर अलम पे है। एक मर्तबा अलम दाएं झुका फिर अलम बाएं झुका फिर अलम गिर गया, ज़ैनब पुकारी हुसैन ये क्या हो रहा है। हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरी कमर टूट गई, मेरा बाज गिर गया। हुसैन आगे बढ़े, अब्बास का सर गोद में लिया, मौला हुसैन अब अब्बास के होंठ का, मौला आपने बड़ी ज़हमत दी आपका शुक्रिया। अब अब्बास की तमन्ना से अब्बास कहते हैं मेरे आका मेरे मौला, अम्मा ने मुझे बतलाया था जब मैं पैदा हुआ था तो सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी, मौला दिल चाहता है आखिरी वक्त भी आपके चेहरे की ज़ियारत करूं, मगर एक आँख में तीर लगा है दूसरी आँख में खून भरा है, अगर जहमत न हो तो अब आके दामन से मेरी आंख का खून साफ कर दे, मौला ये भी जहमत न देता अगर बाजू सलामत हो दे। मौला हुसैन अब्बा के दामन से अब्बास के आंख का खून साफ किया, अब्बास ने जी भर के ज़ियारत की,
अब मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास मेरी भी एक तमन्ना है, मेरी भी एक ख्वाहिश है। मौला फरमाइए, इमाम हुसैन फरमाते, अब्बास तेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, मुझे कभी भाई कह के नहीं पुकारा, कभी मौला कहा, कभी आका कहा, कभी इमाम ज़माना कहा, आज भाई कह के सीने से लगा ले। इमाम ने फरमाया, अब्बास मैं इमाम हूं, अब तुझे हुक्म दे रहा हूं, मुझे भाई कह के सीने से लगा ले। एक मर्तबा अब्बास की लाश तड़पी, मदीने की तरफ मुंह किया, अम्मा अम्मा मुझे माफ करना, तुझसे वादा किया था मरते मर जाऊंगा, मगर हुसैन को भाई न पुकारूंगा, मगर अब्बास मजबूर है, अजब नहीं गुबार उठा हो, एक काले बुर्के में बीवी आई हो, अब्बास का सर गोद में लिया हो, फरमाया हो, अब्बास आंखें खोलो, मैं फातिमा जहरा हूं। मुझे अम्मा कहो, मुझे अम्मा कहो, हुसैन को भाई कहो, तूने वफा की, तूने वफा की इंतहा कर दी, या अब्बास या अब्बास या अब्बास Allahumma salli ala
صلی علی محمد و آل محمد.